कि अगर एक तबके को और रिजर्वेशन दी गई है अच्छा है, लेकिन मेरी एक अपील होगी वजीर आजम से, 45% हमारी आबादी नौजवान है और इस 45% नौजवान तबके में आप एक तबके को तो रिजर्वेशन देते हैं, आप दूसरे को भी देते हैं। मेरी गुजारिश है वजीर आजम साहब, कम अज़ कम आप जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, UPSC के इम्तिहानात हैं या दूसरे हैं, जिस तरह पहले यहाँ 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती थी, वो 32 की जगह 37 साल तक इम्तिहानों में हिस्सा ले सकते थे सभी जो सेंट्रल होते थे, एक बार फिर वो राज की जाए ताकि जम्मू का डोगरा कश्मीरी मुसलमान भी उसमें पार्टिसिपेट करे, कश्मीरी पंडित भी उसमें पार्टिसिपेट करे, ब्राह्मण भी पार्टिसिपेट करे। वज़ीर आज़म साहब इंसाफ करिए, हम नहीं कहते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इन बच्चों को तो दीजिए, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने पिछले 30 साल में बहुत सफ़र किया। कि अगर एक तबके को और रिजर्वेशन दी गई है अच्छा है, लेकिन मेरी एक अपील होगी वज़ीर आज़म से, 45% हमारी आबादी नौजवान है और इस 45% नौजवान तबके में आप एक तबके को तो रिजर्वेशन देते हैं, आप दूसरे को भी देते हैं। मेरी गुजारिश है वज़ीर आज़म साहब, कम अज़ कम आप जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, UPSC के इम्तिहानात हैं या दूसरे हैं, जिस तरह पहले यहाँ 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती थी, वो 32 की जगह 37 साल तक इम्तिहानों में हिस्सा ले सकते थे सभी जो सेंट्रल होते थे, एक बार फिर वो राज की जाए ताकि जम्मू का डोगरा कश्मीरी मुसलमान भी उसमें पार्टिसिपेट करे, कश्मीरी पंडित भी उसमें पार्टिसिपेट करे, ब्राह्मण भी पार्टिसिपेट करे। वज़ीर आज़म साहब इंसाफ करिए, हम नहीं कहते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इन बच्चों को तो दीजिए, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने पिछले 30 साल में बहुत सफ़र किया। कि अगर एक तबके को और रिजर्वेशन दी गई है अच्छा है, लेकिन मेरी एक अपील होगी वज़ीर आज़म से, 45% हमारी आबादी नौजवान है और इस 45% नौजवान तबके में आप एक तबके को तो रिजर्वेशन देते हैं, आप दूसरे को भी देते हैं। मेरी गुजारिश है वज़ीर आज़म साहब, कम अज़ कम आप जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, UPSC के इम्तिहानात हैं या दूसरे हैं, जिस तरह पहले यहाँ 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती थी, वो 32 की जगह 37 साल तक इम्तिहानों में हिस्सा ले सकते थे सभी जो सेंट्रल होते थे, एक बार फिर वो राज की जाए ताकि जम्मू का डोगरा कश्मीरी मुसलमान भी उसमें पार्टिसिपेट करे, कश्मीरी पंडित भी उसमें पार्टिसिपेट करे, ब्राह्मण भी पार्टिसिपेट करे। वज़ीर आज़म साहब इंसाफ करिए, हम नहीं कहते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इन बच्चों को तो दीजिए, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने पिछले 30 साल में बहुत सफ़र किया।